हम देखते हैं कि गोकू उधर अकुमो के साथ और ब्रोली के साथ उस क्रैम्बल केज के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में यामोशी मिल जाता है। उसे देख के गोकू कहता है, यामोशी तुम यहां पर? इस पे यामोशी कहता है, गोकू मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो और तुम किसके लिए जा रहे हो। इस पे गोकू कहता है, ओह तो तुम भी इस बारे में जानते हो? इस पे यामोशी कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छे से इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अकुमो तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पे अकुमो कहता है, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे यामोशी कहता है, तुमने थाइमस को उस क्रैम्बल केज के बारे में पूरी बातें क्यों नहीं बताई? इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें भला इस बारे में कैसे पता, तुम कैसे जानते हो? इस पे यामोशी कहता है, लगता है तुम शायद भूल गए हो अकुमो कि थाइमस ज़ेनोसामा का बेटा है और वो एक ट्रू ओमनी ब्लड है और उसने अपनी ताकत की मदद से उस क्रैम्बल केज को खोलने की कोशिश की थी। इस पे अकुमो कहता है, मैं इस बारे में जानता हूं थाइमस कि वो एक ओमनी ब्लड है, लेकिन वो क्रैम्बल केज को खोल पाए वो इतना ताकतवर नहीं है, उसे खोलना इतना आसान नहीं है। इस पे यामोशी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए जिसके पास कोई भी ओमनी पावर नहीं है, समझे, थाइमस ने उसे खोलने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। ये बात को सुनने के बाद अकुमो काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और तुम्हें ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि उसके अंदर से सबसे पहले वही बाहर आया था। इस पे अकुमो कहता है, यानी कि वो बाहर सच में आ चुका है। इस पे यामोशी कहता है, अकुमो डाइजो ने बाहर आते ही थाइमस के छोटे भाई को मार दिया। ये बात को सुनने के बाद अकुमो कहता है, क्या उसने सच में ऐसा किया? इस पे यामोशी कहता है, अकुमो थाइमस ने अपना कंट्रोल खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि अभी उसे कोई भी संभाल सकता है। इस पे अकुमो कहता है, मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, वाकई में यह बहुत बुरा हुआ। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन तुम्हें ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि डाइजो को थाइमस ने जख्मी कर दिया और वो वहां से भाग चुका है। इस पे अकुमो कहता है, क्या थाइमस ने डाइजो को जख्मी किया? ये तो काफी हैरान करने वाली बात है। इस पे गोरोशी भी कहता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, थाइमस की उस एनर्जी की वजह से उस क्रैम्बल केज के दूसरे गेट में दरार आ चुकी है। इस पे अकुमो कहता है, ये तो एक अच्छा मौका हो सकता है, गोकू जल्दी चलो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और अकुमो थाइमस के यूनिवर्स में जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस पे यामोशी कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सब लोग सब कुछ संभाल लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि
हमें जोगा सुराकी को दिखाया जाता है, जिसे कि अचानक से होश आता है और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, आखिर वो था क्या? वो ओमनी किंग सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। मैं उससे हार गया। नहीं, मुझे उसे मारना ही होगा। मैं किसी भी गॉड्स को जिंदा नहीं रहने दे सकता। तुम भले ही अभी ताकतवर हो सकते हो, शायद हो सकता है पहला नंबर तुम्हारा ना हो, लेकिन मैं तुम्हें मारकर जरूर रहूंगा। अभी भले ही नहीं, लेकिन कुछ गॉड्स को मारने के बाद तैयार रहना। हम लोग जल्द ही मिलेंगे, सैयद ओमनी किंग। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगा सुराकी वहां से निकल जाता है नए गॉड्स की तलाश में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें रियुमाक को दिखाया जाता है, जो कोड़ा और ग्यूरा के सामने था, और वो उन दोनों से कहता है, तो बताओ, तुमने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास सच में कुछ करने के लिए है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो क्या मैं तुम दोनों को मार दूं? जल्दी बताओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इस पे कोड़ा कहता है, ये हमें मारने के लिए मजाक कर रहा है। इस पे ग्यूरा कहता है, उसके लिए ये बहुत ही छोटी सी बात है। तुमने देखा नहीं, हमारा हर हमला उस पे बेकार हो गया। इसके बाद रियुमाक कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे कोई भी जवाब नहीं चाहिए। मैं समझ चुका हूं, तुम दोनों बेकार हो। तुम्हारे पास अब शायद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? तुम्हारा खात्मा। बाय बाय। तभी हम देखते हैं कि रियुमाक पर अचानक से कोई हमला करता है, लेकिन रियुमाक उसे काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, छुपकर हमला करने की कोशिश, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं है, मुझे सब पता है। और तभी हम देखते हैं कि रियुमाक के सामने गोबामा खड़ा होता है और कहता है, तुम इन दोनों को नहीं मार सकते हो, समझे? इस पर रियुमाक कहता है, क्या तुमने क्या कहा? मैं इन्हें नहीं मार सकता? तो बताओ जरा, मुझे ये काम करने से कौन रोकेगा? तुम? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हें भी एक छोटा सा मौका देता हूं। आ जाओ, आ जाओ। तभी गोबामा हमला करने के लिए रियुमाक पे आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि रियुमाक गोबामा के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, सच में तुम बेवकूफ हो, शायद तुमने देखा नहीं। जरा ध्यान से देखो गोबामा, ये दोनों सबसे ताकतवर सैयन हैं, लेकिन ये दोनों मेरे सामने ढेर होकर पड़े हुए हैं। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इससे ज्यादा ताकतवर तो तुम हो ही नहीं सकते, समझे? तभी हम देखते हैं कि गमूरा भी उस पे अपना हमला करता है, लेकिन उसका भी रियुमाक पर कुछ नहीं असर होता और वो ज्यों का त्यों अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कहता है, लगता है कि तुम सभी को मेरे हाथों से ही मरना है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रियुमाक गोबामा पे अपना हमला करता है
लेकिन तुरंत उसके बीच में गमूरा आ जाता है और वो उसके हमले से मारा जाता है। ये देख के र्यूमा कहता है, उप्स, मैं तो तुम्हें पहले मारने वाला था, लेकिन ये बीच में कहां से आ गया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी इसे भी मरना ही था, तो ये पहले ही मर गया। तभी गोबामा ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत र्यूमाक पे अपना खतरनाक हमला करता है, लेकिन उसका भी कोई भी असर नहीं होता। उसे अब तक एक भी खरोच नहीं आई थी। इस पे ग्यूरा कहता है, सब कुछ इसके सामने बेकार है, सब कुछ। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस पे र्यूमा कहता है, लगता है तुमने भी मेरा वक्त बर्बाद किया है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम सबको एक साथ मार देता हूं। ये कहने के बाद र्यूमा गोबामा को कोड़ा और ग्यूरा के सामने फेंक देता है और उस पे अपना एक हमला करता है, जो कि सीधा उन तीनों की तरफ बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे र्यूमा कहता है, मैं जानता था, मैं ये बहुत ही अच्छे से जानता था कि तुम जरूर आओगे किंग गहोरा। हम देखते हैं कि किंग गहोरा र्यूमाक के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम जिसे मारने जा रहे हो वो मेरा बेटा और सेनापति है, और कोई भी मेरे सैन्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।